दतिया कलेक्टर को कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती ने किसानों की समस्या को लेकर सौंपा ज्ञापन। दतिया किसानों की समस्या को लेकर कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती ने दतिया कलेक्टर संदीप कुमार माकिन को सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस विधायक न्यू कलेक्टर पहुंचकर किसानों की समस्याओं के बारे में कलेक्टर को अवगत कराया। उन्होंने कहा डीएपी खाद किसानों को ब्लैक में दिया जा रहा है, खाद लेने आए किसानों को थाने में महिला समेत बंद कर दिया। वर्तमान में सबसे ज्यादा किसान परेशान है और उसके मुख्य रूप से दो कारण हैं। अतिवृष्टि होने के बावजूद शासन प्रशासन द्वारा किसानों को फसल नष्ट होने का, गरीबों के मकान ध्वस्त होने का ना सर्वे हुआ है और ना ही उनको मुआवजा राशि दी गई। किसान पहले से ही परेशान है, नुकसान हुआ, फसल बेचने थोड़ी बहुत फसल बेचने किसान मंडियों में जाता है, उसको उसके खर्च के अनुसार जो फसल पर लागत आ रही है उसके अनुसार उसको फसल की भी कीमत नहीं मिल रही। मंडियों में लगातार लूट खसोट मची हुई है और जब किसान को अपनी फसल बोनी का समय आया तब उसको शासन प्रशासन पूरी तरह से खाद की व्यवस्था करने में असफल है। और सबसे बड़ा प्रमाण जिला प्रशासन की असफलता का ये है, पहले वर्षों में पूर्व के वर्षों में खाद की व्यवस्था के लिए रैक दतिया में लगते थे और उतरते थे, तो पहली सबसे बड़ी असफलता प्रशासन की ये है कि वो रैक उतरवाने में, खाद के रैक उतरवाने में पूरी तरह से असफल रहा और सारे खाद के रैक डबरा में उतर रहे। इसका मतलब सीधा यही हुआ कि दतिया के किसानों की खाद का आधा हिस्सा, आधे से ज़्यादा हिस्सा डबरा के लोग खा जा रहे हैं और जितनी शेष खाद यहाँ आती है वहाँ भी ब्लैक में बिक रहा है और यहाँ भी ब्लैक में बिक रहा है। 4 बजे से किसान, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग लाइन में लगते हैं। 4 प्रोसेस से किसान को गुजरना पड़ रहा है। पहला प्रोसेस लाइन में जो लोग लगते हैं, बच्चे, महिलाएं, किसान, बुजुर्ग, उनको पहले लाइन में लगे हुए लोगों की रजिस्टर में एंट्री होती है, फिर वो लाइन में लगता है, उसके बाद उसको एक पर्ची मिलती है। प्लेन पर्ची पे एक दस्तखत होते हैं किसी के और उसके बाद वो फिर तीसरी लाइन लगती है कुछ दिनों के बाद, जिस तारीख जो उसमें लिखी रहती है उस तारीख पे वो फिर आता है लाइन में। फिर उसको मारपेट की एक कलर्ड पर्ची मिलती है कि इस तारीख में आपको खाद मिलेगा इस तारीख में।